हेलो फ्रेंड्स, अब आते थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। आपको 30 तक का एलिमेंट्स का बता दिया गया था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते थोड़े से नए एलिमेंट्स की तरफ, ठीक है। तो जैसे मान लो, अगर हमको जैसे अपने मन से ही मान लो, जैसे हमने 30 हो गया, 34 ले लो, 38 ले लो, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 मान लो ऐसे, ठीक है। तो देखो हम वही अपना जो मेथड से वही लगाएंगे। 30 के बराबर लिख लो 2, 8, 18, 2, देख लो हो गया ना 13। अब अगर इससे ऊपर जब जाओगे, जैसे मान लो 31 की बात है, किसका 31 का, ठीक है। जैसे मान लो हमने मान किया 31 की बात की, किसका जो 1 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे ना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या, जो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ये जो एक्स्ट्रा होगा किसका, वो अब यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, ये यहाँ ऐड होगा। और 31 के लिए बन जाएगा 2, 8, 18, 3। अगर मान लो अगर 34 है तो 4 यहाँ ऐड होगा, कहाँ पे, यहाँ पे। देखो वैसे 2, 8, 18 और 4 जो ऐड करते 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 38 है तो इसमें ऐड कर दो, तो यहां भी आप 8 से अधिक नहीं ऐड कर सकते। जैसे मान लो 36 आप कितना 36, तो पहले वैसे लिख लीजिए वाला 2, 8, 18, 2, ये कितना हो गया भाई 30 हो गया, और 6 और बचा ना, तो 6 पेनल्टीमेट में ऐड नहीं करोगे, कहां ऐड करोगे, आउटर सेल में। तो आउटर में करो कितना हो जाएगा 2, 8, 18, 8, तो इतना हो गया। अब अगर मान लो 37 है, कितना 37, तो 37 के बाद क्या करोगे, आउटर में 8 से अधिक नहीं रख सकते, तो इसलिए हमको नया सेल बनाना पड़ेगा 2, 8, 8, 18, 8, 1 ऐसे। तो अगर 30 से 38 है तो लिखोगे ऐसे ही 2, 8, 18, 8, 2 ऐसे। ये एक बार एट रहेगा, ठीक है। फिर मान लो 40 आ गया, अब इसको बढ़ाओगे, ठीक है। अब रुको, अब देखो फिर वही लॉजिक, यदि आउटर में कितने हैं 2, यहां कितना है 8, ठीक। तो पहले अब इसको 18 करेंगे, किसको, इसे। अब आउटर 2 से अधिक नहीं ऐड करोगे, 2 से अधिक ऐड नहीं करेंगे, अब पेनल्टीमेट को 18 तक पहुंचाएंगे। तो जैसे 2 बढ़ा 2, 8, 18, 10, 2, 1 आया 11 कर देंगे, वो सब वही रहेगा 11, 2, 42 है तो 12, 2। अब यही पे देखो अपना लगा दोगे रूल नंबर 2, कौन सा रूल नंबर 2, ये कहता जहां 12, 2 उसको कर दोगे 13, 1, कितना, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो इधर आ जाओ, 13, 1 से हो जाएगा 13, 2 हो जाएगा 14, 2 15, 2 अब ये देखो फिर आ गया 16, 2 अब याद करो रूल नंबर 2, हमने कहा था इन द केस आप पहले 46 में ये रूल नंबर 2 लगेगा और ये गलत होगा, और यह हो जाएगा 3, 0, क्या होगा, ये ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो जब ये वाला सीख जाओगे बाकी आपने सब बनाने लगोगे आप, ठीक है। फिर वाला 47 है 2, वही सब लगेगा 47 है तो ये हो जाएगा 17, 2, ठीक। फिर देखो जब 17 आएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, रूल नंबर 2 का था जहां 17 होगा 18, 1 हो जाएगा, तो ये करेक्ट होगा ऐसे। फिर यहां देखो 48 तो हो जाएगा 3, 2, ठीक है। फिर जब 49 आएगा तो अब इसी में ऐड करें, इसी 2 में, क्योंकि 8 हो गया ना, अब 18 हो जाएगा 3, 3। फिर वैसे देखो 50 है तो 3, 4, फिर मान लो अगर 54 हो गया कितना 54, सब वही रहेगा 3, 4 वाला ना 8 हो गया 50, ये 54 हो गया। इसको पूरा लिख देते ना,
दो आठ अठारह ऐसे। अब जोड़ना जोड़ भी लो ना, देख लो भाई इतने को हमने साइलेंट किया था, ये तीन हमने यहां रख दिया, जोड़ना है तो जोड़ लो एक बार। आठ और दो दस और अठारह अठारह छत्तीस, जोड़ लो ऐसे। टेन प्लस थर्टी सिक्स प्लस एट, एट सिक्स फोर्टी फोर्टीन, थ्री वन फोर वन फाइव फिफ्टी फोर। फिर अगर मान लो फिफ्टी फाइव है, कितना फिफ्टी फाइव, तो देखा टू कामा एट कामा एटीन एटीन एट कामा वन, मान लो अगर फिफ्टी फाइव के बाद फिफ्टी सिक्स है, टू एट एटीन एट कामा टू, ये फिफ्टी सिक्स है। अब जैसे फिफ्टी सिक्स से आगे जाओगे तुरंत आपका आ जाएगा रूल नंबर थ्री, क्या आ जाएगा दोस्त, रूल नंबर थर्ड। तो पहले हम आपको कुछ इधर के एलिमेंट्स के बता देते हैं कॉन्फिगरेशन, ताकि इसके आप अपने से बना लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक हम बता देते हैं फोर्टी टू फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन, ठीक है। तो दो तीन अगर आप जान जाओगे तो फिर अपने से भी बनाने लगोगे, ठीक है। जैसे फोर्टी टू ले लो, पहले थर्टी के लिख लो अपने मन से, टू एट एटीन टू, ठीक। फिर पता है इसमें भाई आउटर में हम सिक्स और ऐड कर सकते हैं, जब सिक्स ऐड करेंगे तो पहले थर्टी का हुआ ना, थर्टी का तो जगह थर्टी सिक्स, टू एट एटीन एट। अब उसमें वही बताया गया था आपसे भाई वन टू थ्री फोर लिख लो ऐसे। वन का मतलब ये देख लो यहीं पे वन एस टू, टू का मतलब टू एस टू टू पी सिक्स, थ्री का मतलब अट्ठारह इलेक्ट्रॉन, थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन, फोर का मतलब आठ है तो फोर एस टू फोर पी सिक्स, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये थर्टी सिक्स हुआ ना, हमको कितना था फोर्टी टू, चलो फोर्टी टू देख लो। तो अब हमें सिक्स और ऐड करना होगा, तो यही हो जाएगा फिर फोर्टी टू का टू एट एटीन एट और सिक्स, देख लो ठीक है फोर्टी टू। फिर वही लाइन खींचोगे ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव आ गए, ठीक है। तो फाइव कोई दिक्कत नहीं, बस वन है तो वन एस टू, टू है टू एस टू टू पी सिक्स, इस तरह से बना दो जा फटाफट। थर्ड है थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन, फोर्थ है फोर एस टू फोर पी सिक्स, फाइव है फाइव एस टू फाइव पी फोर, इस तरह से बना लीजिए ऐसे, ठीक है। देख बिलो फोर्टी टू, फिर जैसे मान लो फोर्टी थ्री फोर्टी फोर है, तो जब फोर्टी फोर करोगे तो एट हो जाएगा, देखो जब फोर्टी फोर आप करोगे फोर्टी फोर ये आठ हो जाएगा, टू एट एटीन एट का वहां एट फोर्टी फोर हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना भाई कि फिर वही लाइन खींचोगे ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव, फिर मान लो अगर फोर्टी फाइव है, दो आठ अठारह। अब देखो वही हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करें, अब देखो यहां मिसप्रिंट क्या हो रहा है वो ध्यान से देखो, ये गलत क्या हुआ तुम लोग ध्यान नहीं देना, चलो अब बताता हूं। जैसे ये 46 था ना, पहले 36 पे आ जाओ, कहां पे आ जाओ 36 पे, तो यहां से क्लियर समझ में आ जाएगा, जब 36 पे आओगे तब कहां पे 36, देखो दो आठ अठारह आठ, देख लो जोड़ लो एक बार, दस और ये आठ आठ सोलह 36 हो,
जब 37 आओगे तो 1 हो जाएगा, 38 आओगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब 38 से जब आगे बढ़ोगे, 38 से आगे बढ़ोगे, आगे 38 से, तो हमें जो भी लिखा ऐड करना वो पहले यहां ऐड करना होगा। 42 लिखना था ना, 42, देखो ये 42, देखा 4 ऐड करेंगे ना, 12, हमने कहा था भाई जहां 12 आएगा हो जाएगा 2 8 18 13 का मा होगा। अब ये 42 यहां लिखो, अब इसे लिखो 2 8 18 13 का मा होगा, देख लो यहां से। अब यही लाइन लिखोगे इधर समझ क्लियर आने लगेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8, ठीक है, ये थर्ड है। फोर्थ में आगे ना, फोर्थ में देखो फोर्थ है, तो फिर फोर्थ हम यहां से लिख देते हैं 4s2 4p6 और कितना बचा 5 4d5, ये 5 है तो 5s1 हो जाएगा इस तरह से, देख लो। अगर मान लो ये 43 होता, 43 फिर देखो क्या करते, फिर यही वाला रूल लिखते 2 8 18 8 2, जोड़ लो कितना कम पड़ रहा है 10 10 20, और ये 38 5 5 इसमें जो ऐड कर देते ये 13 हो जाता है। बस वही लिख देता है ऐसे, बस यहाँ 5s1 है, यहाँ 5s2 हो जाता है ऐसे, ठीक है। ऐसे ही मान लो 46 लिख लो, देख लो 46 भी, तो 46 और इजी है, ठीक है। 2 8 18, अब यहां पहले देखो ये लास्ट में 2 कर लो, पहले पेनल्टीमेंट देख लो कितना बचा, तो ये हो गया आपका ये 8, ठीक है, ठीक ना। तो पहले देख लो कितना हो गया 10 और 10 20, ये 8 बचा कितना 6, तो इसी में 6 ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 16। हमने कहा था 16 जो इनकरेक्ट है, 2 8 18 और 18 कॉमा 0। अब इसका लिखोगे थोड़ा ये थोड़ा एक नया लॉजिक आएगा, यहां देखो ऐसे आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s0 हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी यस जो d का होता है ना, d का देखो यही से कॉन्फ़िगरेशन आता है, एक तो होता है कि ns2 मतलब ns1 से 2 n-1 d 1 to 10, और एक होता है ये तो जनरल होता है, और जो कभी कभी जो इसको लेके चलते जब इसको तो जाता है ns0 to 2 n-1 1 to 10, ऐसे ये वाला पूरे d ब्लॉक के लिए है, या ऐसे कहो ये पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए है, ये एक्सेप्ट पैलेडियम, इसमें पैलेडियम नहीं आता, इसमें सब आ जाएगा इस तरह से करोगे तो, ठीक है। तो नोट कर लो ये कानी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, और जो आगे बचेगा वो सब आगे बता दिया जाएगा आपको, जब ब्लॉक पड़ेगा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तो वहां पर फिर रोल नंबर 3 बता दिया जाएगा, यहां फिलहाल इससे आपका काम चल जाएगा राइट डाउन।